हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स 7:35 AM। मैं अभी वर्कआउट करके थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रहा था, वो रहा यहाँ पे सब्जी हमारा। मैंने सोचा ये था कि अभी मैं मतलब सब्जी बना के स्कूल जाऊँगा और फिर मतलब 10-11 बजे आकर यहाँ पे फिर खाना बना के खाना खाऊँगा, वही सोचा था। बट यहाँ पे हमारा गैस ख़त्म होता हुआ, ये देखो खाली हुआ है अभी। तो अभी तो आई कैन लिफ्ट विद अ पिंकी फिंगर, राइट? लुक एट दिस। आ ये यहाँ पे मैंने वर्कआउट ख़त्म कर दिया है और ये देखो मैट भी मैंने अंदर घुसर दिया है। एंड यू कैन सी द स्पेस इज राइट हियर, सो ह्यूज, लिटरली आगे तक है। एंड मैं अभी क्विकली ब्रेकफास्ट करूँगा क्योंकि पता नहीं कब आऊँगा मैं। मतलब आज तो बहुत ही देर होने वाला है बिकॉज लॉट्स ऑफ वर्क, एंड वो सिलेंडर भी भरना है मुझे। तो मेरे ब्रेकफास्ट यही है, 2 bananas एंड थोड़ा सा बीटन राइस। ये केले मैंने लास्ट टाइम इवेंट में ख़रीदा था बिकॉज एवरी टाइम बिफोर अटेम्प्ट आई यूज टू ग्रैब सम ऑफ दी बनानाज फॉर इंस्टेंट एनर्जी। एंड थैंक गॉड आई हैव दिस लेफ्ट ओवर हियर, अदरवाइज भाई आज तो मैं पता नहीं भूखा ही होने वाला। एंड फिर भूख मेरा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई इतना आलस हो जाता है मुझे, मैं तो मर ही जाता हूँ भूख से। देखो गाइस, यहाँ पे मेरे पास कॉर्ड तो नहीं है तो यहाँ पे पानी डाल के हमको काम चलाना पड़ेगा। एंड आई डू हैव सम ऑफ द कैरोट्स राइट हियर जो विवेक ने लेकर आया था। आई फील सच अ ग्रेट बिकॉज मीटिंग विद दिस स्वीट पीपल एंड वो लोग मुझे सपोर्ट करते। भाई डिसअपॉइंट तो मैं होने नहीं दूंगा एंड डेफिनेटली थोड़ा बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ। मेहनत ऐसा चीज़ है कि भाई वी कैन नॉट डू और लाइक गो फॉर 100% एटलीस्ट वी आई। मैं तो भाई मैं पर्सनली परफॉर्म करता हूँ अपना 20% बेस्ट पे। वो इतना ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं लेता हूँ और ख़ुद को प्रेशर भी नहीं देता हूँ बिकॉज प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर देना कब बंद करो यार। मतलब जिस फ्लो में जा सकते हो उसी फ्लो में जाओ, जस्ट टेक इट ईजी एंड कीप गोइंग कंसिस्टेंसली, ठीक है? तो खुद पता है कि भाई हम किसी चीज़ के लिए कितना कैपेबल है, तो उसी के हिसाब से खुद को प्रेशर करो और खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो। ज़्यादा करने से ये होता है कि प्रॉब्लम आप कहीं ना कहीं से फेल हुआ ना, मतलब फिर डिसअपॉइंटमेंट ऑकर्ड हुए तो मतलब भाई दैट्स रियली रियली बैड थिंग बिकॉज आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे और फिर 2-3 बार आपने ट्रैक छोड़ दिया तो भाई बैक टू नॉर्मल पहले से ही जैसा होता है। सिंपल एग्जांपल, आप 1 महीने तक जिम गए और एक्सरसाइज गए और फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि भाई बैक टू नॉर्मल, आपका फिटनेस, आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बैक टू नॉर्मल। तो मैं भी वही करता हूँ, इतना ज़्यादा प्रेशर खुद को कभी भी नहीं देता हूँ बट कंसिस्टेंट तरीके से मैं खुद को काम करता हूँ। एंड चलो यार, यहाँ पे बिना बातें हम खा नहीं सकते, हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा। और यहाँ पे मेरे घर पे शुगर भी नहीं है। हाँ, तो शुगर से याद आया कि भाई शुगर 100 rupees पर केजीज का है एंड भाई मैं तो ख़रीदने नहीं वाला हूँ। मैं तो एज यू ऑल नो दैट मैं तो वेजिटेबल ऑयल भी नहीं डालता हूँ सब्जी में बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। 130 rupees पर हाफ अ लीटर एंड 1 महीने के लिए 260 rupees, भाई 260 rupees बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है। और ये रहा डेटा सिलेंडर, ये देखो भाई कितना बड़ा डिफरेंस है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। भैया गैस भरते हो यहाँ पे? कहाँ पर है? वो साइड यहाँ पे ये भरते हो छोटा सा? कितना जाता है यहाँ पे? 4 लीटर जाता है। कितना पैसा है अभी? 140 रुपये किलो। वहाँ पे छोड़ दूँ? अच्छा ठीक है। अभी के लिए 8:48 हो चुका है एंड यहाँ पे कोई भी नहीं है यार। मैं 5 मिनट से वेट कर रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा है मुझे। भैया पीछे है क्या? पूजा कर रहा है क्या? अच्छा अच्छा, मैं ऑलरेडी लेट हूँ यार, मैं इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ अभी। कोई नहीं, तू वहाँ पे ठहर जाना, आई हैव टू लीव फॉर नाउ, मैं बाद में आऊँगा यहाँ पे, बहुत लेट हो रहा है। इट्स 9:11 एंड मैं फर्स्ट लोकेशन पे आ चुका हूँ यहाँ पे देखो। तो अभी 11 मिनट लेट हो चुका हूँ मैं। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट राइट हियर, सो विशिंग टू मेड हिम राइट टुडे। अदरवाइज लास्ट टाइम मैंने जब विजिट किया था यहाँ पे वो नहीं थे, वो कैपिटल सिटी गए थे। एंड स्कूल इज येट नॉट ओवर, तो चलो भाई फिंगर क्रस्ट क्या होता है पता नहीं। अबे यार कितना बोरा हुआ, ही इज़ नॉट हियर, ही इज स्टिल इन कैपिटल, क्या ही कर सकते यार भाई, सब बर्बाद, भाई सब बर्बाद।
तो लास्ट टाइम जो मैंने रोड साइड पे एक लड़की के साथ वीडियो करता ही नहीं हो मै होला त्यो अनि म यहाँ स्कुल आएको थिएँ नि आंटी जी पूछ रहे क्या कर रहे थे। आज हमारा बड़ा सा मूड ऑफ होता हुआ पता नहीं भाई क्यों, नो एक्साइटमेंट। तो अभी दूसरा लोकेशन के लिए जा रहा हूँ एंड लास्ट टाइम यहाँ पे भी मैंने विजिट किया था, उन्होंने भी सेम रीज़न बताया था कि यहाँ के जो एमडी है वो काठमांडू गए हुए हैं। यस गाइस, आई एम ऑन माय सेकंड लोकेशन हियर। तो प्रिंसिपल सर ने वेट करने के लिए बोला एंड आई एम वेटिंग राइट हियर फॉर हिम। आई वॉन्ट टू मेक माई प्रेडिक्शन राइट हियर, 80% ग्रांट मिलने वाला है, 20% नहीं मिलने वाला है। 80% बिकॉज यहाँ पे उन्होंने वेट करने के लिए बोला, अगर वेट करने को ना बोला होता तो मतलब वो ऑलरेडी रीजंस दे चुके होते, मतलब यहाँ पे एमडी सर नहीं आए हुए, वी कॉन्ट गिव यू द परमिशन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट रीज़न, अदरवाइज मतलब वेट करने का मतलब ही क्या बनता है, ठीक है। तो इसलिए आई एम प्रिडिक्टिंग राइट हियर, यस होने वाला है 80%, नो होने वाला है 20%। एंड यहाँ पे बच्चे लोग देखो वॉलीबॉल खेल रहे, दिस इज़ द स्कूल राइट हियर। इनको देख कर ना भाई हमारा भी खुद का एक ना स्कूल डेज का मेमोरीज आ जाता है। देखो अभी टाइम के लिए तो 9:30 है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग। तो चलो अभी मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, वरना आई विल बी सीइंग एज आउट ऑफ डिसिप्लिन दैट आई एम रिकॉर्डिंग इनसाइड हियर। सो एज दिस बॉयज आर प्लेइंग राइट हियर, आई एम गोना प्रैंक देम। ओके मैं वहाँ पे जाता हूँ, वॉलीबॉल लेकर आता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ। आई डोंट नो दिस इज आउट ऑफ मैनर बट डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दिस प्रैंक। लॉल बॉल मेरे पास है अभी तो, मतलब दिस इज आउट ऑफ मैनर गाइज, बट आई एम रियली सॉरी टू डू दिस एंड इट्स अ प्रैंक। आई उनको बोलूँ या नहीं बोलूँ, मतलब इफ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट माई इंस्टेट ओवर हियर, मैं डेफिनेटली उनको बोल दूंगा कि इट वॉज अ प्रैंक। लॉल दोज बॉयज फ्रॉम देयर दे आर स्टीयरिंग मी, लग रहा है साला गैंग लेके पिटवाएंगे मुझे। भाई वो वॉलीबॉल जो खेल रहे थे वो लड़के को प्रैंक करते वक्त मतलब बहुत ही डर लग रहा था, मतलब कोई कुछ ना बोल दे, स्पेशली प्रिंसिपल सर मतलब व्हाट इज़ दिस मैनर करके ऐसे वैसे करके यू नो रैंडमली खेल रहे और बॉल मार के भाई तूने लेकर चला, मतलब कैसा होता है ऐसे करके। मैं आया था पहले एंड आई वॉज 80% श्योर, हाँ बिकॉज आई वॉज टोल्ड टू बी वेट राइट, तो आई वॉज पॉजिटिव अबाउट इट। मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कर दिया उनको एंड आई होप दे आर एक्साइटेड, सो आई होप दे विल सपोर्ट मी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कलेक्शन एंड आई एम नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट द कलेक्शन। यहाँ पे हमारा सिलेंडर छोड़ दिया था, पता नहीं है भी या नहीं है, होना चाहिए भाई होना चाहिए। दैट्स हाउ यू डू इट मैन। तो वो टैंकी में वहाँ पे 3 kg 300 grams गैस भर दिया और मुझे कॉस्ट पड़ा 465 rupees। वाह। एंड अभी मैं यहाँ पे बैंक के लिए जा रहा हूँ डिपॉजिट करने के लिए। सो दिस आर द कॉइंस हियर एंड द वन राइट हियर इज़ द ओल्डेस्ट वन, ये पुराना है एंड आई डोंट नो इफ यू दिस इज वैलिड और नॉट। ये देखो गाइस यहाँ पे हम छोटा बाहुबली होते हुए हमने थोड़ा बहुत ग्रोसरी शॉपिंग भी किया है। ओ भाई इट्स 12:54 गाइस, आई एम ऑलरेडी हंग्री काइंड, सो हम जल्दी से। ये देखो भाई 1 rupees भाई 1 rupees, हाउ द हेल इन द वर्ल्ड आई कैन इग्नोर दिस मनी। यहाँ पे हमने ऑल टोटल 620 rupees स्पेंड कर दिया और ये देखो भाई हमको कितना मिला, 3 rupees। आई फाउंड दिस जस्ट हियर ऑन रोड साइड डूड, वाओ।